आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल जो इन दिनों मीडिया में छाई हुई हैं, सुर्खियों में बनी हुई हैं, जिनका आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई, दुर्व्यवहार किया गया और ये मारपीट किसी और ने नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही है मारपीट के पीछे की और क्यों ये मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। इस पूरे मामले के बारे में आपको पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले शुरुआत इस मामले के अपडेट के साथ करते हैं। आज स्वाति मालीवाल मामले में दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने शाम 5 बजे एक पीसी की और इस दौरान उन्होंने कहा कि कल यानी कि रविवार को 12 बजे अपने नेताओं के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं, जिसे जेल में डालना चाहते हैं जेल में डाल दें। लगातार इस पूरे मामले पर हंगामा बरपा हुआ है और सियासत बेहद ही गर्म है। इसकी शुरुआत कब से हुई आपको एक एक करके प्वाइंट टू प्वाइंट समझाते हैं। इसकी शुरुआत होती है 13 मई को, जब एक खबर आई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार ने सीएम आवास पर आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक और वर्तमान में आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की, जिससे आम आदमी पार्टी ने इस केस से पल्ला झाड़ लिया। इतना ही नहीं, आपने इसे बीजेपी का षड्यंत्र बता दिया और मालीवाल को बीजेपी का मोहरा बता दिया। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को पीसी की और कहा कि स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर 13 मई को सुबह भेजा गया। इस साजिश का इरादा था केजरीवाल पर झूठे आरोप लगाना। स्वाति मालीवाल इस साजिश का चेहरा थी, स्वाति बीजेपी का मोहरा थी। तो वहीं इसके बाद स्वाति मालीवाल ने भी आम आदमी पार्टी पर पलटवार करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि पार्टी में कल के आए नेताओं ने 20 साल पुराने कार्यकर्ता को बीजेपी का एजेंट बता दिया। 2 दिन पहले पार्टी ने पीसी में सब सच कबूल लिया था और आज यू टर्न। उन्होंने आगे लिखा कि ये गुंडा पार्टी को धमका रहा है, ये गुंडा यानी कि विभव कुमार। वो यहां पर आगे कहती हैं कि ये गुंडा ये धमकी दे रहा है कि मैं अगर अरेस्ट हो जाऊंगा तो सारे राज खोल दूंगा, इसलिए सभी इसे बचाने में जुटे हुए हैं। आज उसके दबाव में पार्टी ने हार मान ली और एक गुंडे को बचाने के लिए पूरी पार्टी ने मेरे चरित्र पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। वहीं राजनीतिक बयानबाजी के बीच दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है और दिल्ली पुलिस शुक्रवार शाम को सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची थी, जहां ये सीन फिर से रिक्रिएट किया गया और वहां पर मौजूद स्टाफ से पूछताछ भी की गई। लेकिन इन सब के बाद अलावा सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि आखिर स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मारपीट क्यों की गई, मारपीट की वजह क्या रही है, कौन सी वो बात है जिस बात को लेकर बहस हुई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। हालांकि इस पूरे मामले पर विभव कुमार ने भी स्वाति मालीवाल पर कई सारे आरोप लगाए हैं और पुलिस से शिकायत भी की है। आगे इस मामले में क्या कुछ अपडेट सामने आएगा आपको बताएंगे। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।